हेलो बच्चों कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों हम लोग अभी करंट में जो चैप्टर आपको दे रहे हैं वो वेक्टर जब है इससे पहले मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर तक आपको दे दिया पार्ट फाइव भी आपको मिल चुका है पार्ट सिक्स हम लोग आज करने जा रहे हैं इस पार्ट सिक्स में हम लोग क्या करेंगे आपको प्रोजेक्शन निकालना सिखाएंगे एक वैक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वैक्टर पर ठीक है तो चलो शुरू करें फिर आज का लेक्चर बट इससे पहले आपने सभी चीज़ें देख रखी हूँ अच्छे से तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी तो बच्चों देखते हैं प्रोजेक्शन है क्या किस तरह से बताया गया सपोज so, करो ये आपका एक वेक्टर ए है मैंने इसका नाम दिया वेक्टर ए। इसी पर एक दूसरा वेक्टर जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है ये वेक्टर बी हमने इसको बोल दिया किसी ना किसी एंगल तो हो गई मान लो थीटा रहा ठीक है तो हम लोग निकाल के आ रहे हैं एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकाल रहे हैं ऑन वेक्टर ए ठीक है तो सबसे पहले प्रोजेक्शन का मतलब समझो प्रोजेक्शन है क्या मान लो आपको ये इसका पॉइंट मैं बोल ए और इसको मैं बोल दूं बी तो बच्चों वेक्टर ओ बी का अगर प्रोजेक्शन निकालोगे तो आप ऐसे सोचो आप इसके ऊपर कोई एक लाइट लगाओ ठीक है और फिर इसकी लाइट जो पड़ रही होगी इस लाइन पर यानी ओ ए पर जो लाइन पे लाइट पड़ रही होगी उसकी वजह जो परछाई बनेगी इस पर यानी कि ये अगर है तो इसकी परछाई क्या आ रही होगी इस तरह से गिर रही होगी ना तो हम परछाई की लेंथ अगर बता दें वो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मान लो एम पॉइंट पर मिलता है तो ओ एम जो हो गया वो क्या हो गया बच्चे वेक्टर ओ बी का प्रोजेक्शन हो गया पास में आ रही है जो मैंने ग्रीन सी दिखाया है, वेक्टर का क्या है? है, किस पर है ओ ए लाइन पर है या ओ -E की डायरेक्शन में जो वैक्टर ए है उस पर है सिंपल सी बात है तो हमें किसी तरह से ओ एम लेंथ पता चल जाए मैंने बोला अगर वैक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करूंगा बी से चलो अच्छा राइट एंगल ट्रेंगल तो सबको पता है तो अगर राइट एंगल ट्रेंगल की बात करूं ओ एम बी में अगर मैं कॉस थीटा लगाता हूं तो आप क्या लिख रहे होंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब क्लियर है तो ये बच्चे हाइपोटेनस और बेस ओ एम हो गया तो ओ एम अपॉन में क्या आएगा हाइपोटेनस आ जाएगा मतलब ओ बी आ जाएगा ठीक है अब आप क्या लिख रहे होंगे ओ एम ही तो आपका है तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई ओ बी ओ बी और कॉस थीटा हो जाएगा ओ बी क्या है बच्चे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे बी का मैग्नीट्यूड है तो आप लिख देंगे ओ बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से और क्या कॉस थीटा लिख रहे होंगे और ये क्या है ओ एम यानी आपका प्रोजेक्शन आ गया किसका वैक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन हो गया यानी ओ ए लाइन पर प्रोजेक्शन हो गया इस तरह से भी कह सकता है अब बात करते हैं इसकी सही से वैल्यू निकालना अगर मैं इतना बोलूं आपसे कि ये वेक्टर हमने ओ ए को वेक्टर ए माना है ये थीटा है और ये वेक्टर बी है तो आप जानते हो कॉस्ट थीटा कितना होता है या फिर आप ए डॉट बी जानते हो ए डॉट बी कितना होता तो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में क्या कॉस्ट थीटा तो यहाँ से बच्चे बस कॉस्ट थीटा की वैल्यू आप निकाल लो कॉस्ट थीटा कितना होता है ए डॉट बी अपॉन में क्या ए का मैग्नीट्यूड और क्या बी का मैग्नीट्यूड तो ए का मैग्नीट्यूड आप ए लिखेंगे और बी का मैग्नीट्यूड बी लिख दीजिए या इस तरह से लिख सकते हैं तो अगर कॉस्ट थीटा की मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ और सारी वैल्यू को ध्यान से देखो तो ए बी जो है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो इसी का है तो मैं वी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे वैक्टर भी लिख रहे होंगे थीटा की वैल्यू अच्छा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे लिख लो पहले मैग्नीट्यूड मैगनीटूड ओबी वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो इस तरह से लिखेंगे थीटा की वैल्यू ये पूरी रख ए डॉट बी और डिवाइड में क्या है बच्चे वैक्टर एक्टर बी उनके मैग्नीट्यूड तो कुछ यहां से कैंसिल हो रहा है बेटा ये कैंसिल हो गया वैक्टर बी से वैक्टर बी बचा क्या वो आपका प्रोजेक्शन हो गया इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ये है क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए किस तरह से आया वो भी देखो ए डॉट बी आया दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में क्या है बच्चे जिस पर निकालना है ऑन ए निकालना है उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे जिस पर निकालना है उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे मेरी बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या निकाला प्रोजेक्शन निकाला है ऑफ वेक्टर वी निकाला है ऑन वेक्टर ए निकाला है ठीक है तो एक सिंपल सा फार्मूला आपका यहां पे बन के तैयार हो गया है आप उसे याद कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा इसी को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा अगर मैं वैक्टर ए को और इसको देखो सही से ऐसे लिख सकते हो क्या चलो इतने ही छोड़ दे रहे हैं ऐसा ही रख दें ठीक है आप यहाँ पे चीज़ ले सकते हो बट आपको बुक में ऐसा ही मिल जाएगा फार्मूला आपके लिए तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलो इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री ही है उस पर बेस एक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं टेन पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर है बच्चे थ्री जो मैंने बोला होगा पार्ट फोर में पार्ट फाइव में कि मैं अभी छोड़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं बच्चे एक्सरसाइज आपकी टेन पॉइंट थ्री है उसने कहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे इसका निकालो ऑन किस वेक्टर पर आई प्लस जे पर तो अगर मैं इसे वेक्टर ए बोल दूँ इसे वैक्टर बी बोल दू तो आप ध्यान ये रखो किस पर निकालना है ठीक है अगर ये लाइन ऊपर थी तो इसका निकालना था जिस पर निकालना था वो नीचे था वेक्टर ए जिस पर निकालना उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो जिस पर निकालना है तो इसके हिसाब से फार्मूला क्या बनेगा ऑन बी निकालना है तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे और ऊपर आप ए डॉट बी ही हमेशा लिखेंगे ठीक है हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो गया ठीक है आप डायरेक्ट निकालो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा वन आएगा और जे का j के साथ करोगे तो कितना आएगा माइनस वन आएगा तो जीरो दे गया ठीक है क्यों जीरो आप देखना वैक्टर बी का माइन टू कितना रूट टू फाइनली आंसर कितना जीरो ठीक है फाइनली कितना जीरो होगा क्यों ऐसा क्योंकि दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं बच्चे अब आप इस वेक्टर को अगर ऐसे खड़ा करोगे तो इसका प्रोजेक्शन परछाई क्या बनेगी यही पॉइंट होगा जो कि यही पॉइंट होगा तो उसको कोई लेंथ ही नहीं बनी फिर तो है ना वो सी के नीचे आ गया तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं इसलिए उनका प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है जीरो आ रहा है ठीक है सारी चीजें हमने सही से करी होंगी कोई इसमें डाउट नहीं एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला जिसमें हमें प्रोजेक्शन पूछा गया हो क्वेश्चन नंबर फोर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चे प्रोजेक्शन निकालने वाला क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस थ्री जे प्लस सेवन के ऑन किस वेक्टर पे निकालना है वो पीछे लिखा है सेवन आई माइनस का जे प्लस का एट के तो अगर मैं इसको वेक्टर ए बोल दूं और इसे वेक्टर बी बोल दूं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है ऑन बी है इसका मतलब डिवाइड में क्या जाएगा वेक्टर बी का ही मैग्नीट्यूड जाने वाला तो फार्मूला आपका इस तरह से बना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में पहले लिखें और ऊपर हमेशा क्या आता है ए डॉट बी आता है इस तरह से याद करें आप शुरू से मत लिखें फार्मूले को नहीं तो आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ वहीं से आप भी लिखना शुरू करो ऑन बी सो डिवाइड में बी ऊपर क्या आता है ए डॉट बी आता है अब आप फार्मूला का जो स्टार्टिंग है वो पूरा सेंटेंस लिख दो क्या लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन बी ठीक है सोल्यूशन डाल लीजिए आप अब आप कर सकते हैं ए डॉट बी आप डायरेक्ट देखिएगा ए डॉट बी करेंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई तो वन का सेवन के साथ जैसे मल्टीप्लाई किया तो सेवन मिलेगा थ्री का माइनस के साथ तो माइनस का थ्री सेवन का एट के साथ सेवन प्लस इंटू एट करोगे फिफ्टी सिक्स और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन प्लस वन प्लस फिफ्टी सिक्स 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट लगाना ना भूलें ठीक है अच्छा 7 से 3 गया कितना 4 4 प्लस 56 60 हो गया और डिवाइड में कितना आ रहा 40 प्लस 49 प्लस 50 हो गया और प्लस 104 नहीं 114 और रूट के अंदर अब इसको आप सॉल्व करके जो भी आंसर है आप रख लेंगे आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए कैलकुलेशन का पार्ट है ठीक है कर लेंगे तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ तक छोटा सा पार्ट था ये प्रोजेक्शन निकालने का कोई बड़ा इशू नहीं इसमें होना चाहिए एक सिंपल सा है सारे क्वेश्चन जो भी डिलीवर हो रहे हैं अभी तक यानी लेक्चर नंबर फाइव और सिक्स में सारे आसान ही हैं बस प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को बार बार याद कर लो कि किसका क्या नाम रखा गया प्रोजेक्शन का नाम क्या होता है किस तरह से निकाला गया वो आपको बताया गया बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे अगर आपको ऑन बी निकालना है तो डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऊपर क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर ऑन सी निकालना है तो सी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में और सी का दूसरे वैक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा ठीक है तो ये सिंपल सी बातें हम लोगों ने इस लेक्चर में करी आप यहाँ तक की चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करिए मैथ है बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगी ठीक है आगे मिलते हैं अच्छे सेशन में थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए